हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी विंटर सीजन तो आ ही गया है बढ़िया वाला, एंड जो सरोजनी नगर है वहाँ पे पूरा भरा हुआ है विंटर कलेक्शन। सो मैं भी वहाँ पे गई थी एंड मैंने वहाँ पे बहुत कुछ देखा, बहुत वैरायटी थी वहाँ पे, एंड मैंने भी कुछ शॉपिंग करी है थोड़ी बहुत। सो मैं आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। सो ये काफ़ी बड़ा हॉल होने वाला है बाय द वे, एंड मेरे पास बहुत कुछ है, हर वैरायटी के कपड़े हैं मेरे पास। अगर आपको आपको स्वेटर वेस्ट देखनी है, स्कर्ट्स देखनी है, स्वेटर्स देखने हैं, कार्डिगन्स देखने हैं, पैंट्स देखने हैं, सब कुछ मेरे पास यहाँ पर है आज। एंड चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज। एंड या स्टार्टिंग ऑफ विद अ पेयर ऑफ पैंट्स, क्योंकि आजकल जो पैंट्स हैं वो बहुत ट्रेंड में हैं। एंड अगर आप अर्बैनिक देखोगे या कुछ भी देखोगे, मिंत्रा देख लोगे, हर जगह पे पैंट्स का बहुत कलेक्शन आया हुआ है एंड लोग पागलों की तरह ले रहे हैं। बट क्या सीन है कि ऑनलाइन बहुत महंगी मिलती है, 1000-1100 से कम तो कोई ढंग की पैंट होती ही नहीं है, इवन एक्सपेंसिव होती है। अगर आप H&M पे देखोगे तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही महंगी हो जाती है, एंड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, मुझे नहीं लगती है स्पेशली H&M की क्वालिटी, सस्ते वाली जो पैंट्स होती है उनकी। सो मैं लेकर आई हूँ ये वाली पैंट फ्रॉम सरोजनी नगर, एंड ये पैंट देखकर मेरा माइंड मतलब ग्लो हो गया था कि मतलब ये पैंट मुझे वहाँ पे मिल गई, सीरियसली। सो ये पैंट है, ये एंकल लेंथ तक की पैंट है, एंड ये ब्लैक कलर में है। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, एक स्लीक लुक देता है ये। एंड इसका जो ब्रांड लिखा हुआ है वो शेक ब्रांड लिखा हुआ है इस पर, बट बाकी मुझे नहीं पता कि कौन से ब्रांड की है। बट बाय द वे, ब्रांड को साइड रखते हुए हम क्वालिटी पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे पॉकेट्स हैं इसकी साइड में, एंड बैक साइड पे कोई पॉकेट नहीं है इसकी, ऐसे ही आएगा ये। फ्रंट में इसकी बटन डिटेलिंग है, एंड साथ में एक चेन है यहाँ पे, एंड ये एंकल लेंथ तक की आती है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसी लग रही है मेरे ऊपर ये। सो मुझे ये बहुत अच्छी लगी पर्सनली, एंड मुझे लगा कि ये 150 rupees के अकॉर्डिंग तो बॉम्ब। एंड ये 150 के स्टॉल्स वहाँ पे बहुत सारे होते हैं पैंट्स वाले। सो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस स्टॉल पे अच्छी पैंट आपको मिल रही है, एंड अगर आप 3-4 स्टॉल्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉल मेरे लिए बेस्ट है। मैंने फर्स्ट स्टॉल पर ही ये वाली पैंट ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाली पैंट एक अलग ही लुक देने वाली है, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ भी इसमें कटा पीटापन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट थी ये। एंड इसके मटेरियल पोलिएस्टर में है, कॉटन मटेरियल में नहीं है, क्योंकि कॉटन की पैंट्स मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे थोड़ी पोलिएस्टर लुक की पैंट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड हम इसको स्टाइल कर सकते हैं विद एनी स्वेटर और कोई भी कार्डिगन के साथ हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम समर से बात करें तो इसको पहनो, ऊपर कोई भी क्रॉप टॉप पहन लो एंड यू आर रेडी टू गो। कितना सेक्सी एंड कितना स्मार्ट लुक आता है। नीचे हम इसके साथ में हम इसको कैजुअल लुक में भी क्रिएट कर सकते हैं इस पैंट को, और ऑफिस वियर अकॉर्डिंग भी। सो ये कॉलेज गर्ल्स के लिए या ऑफिस वियर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी एंड ये बहुत ही स्लीक लुक दे रही है। आपको कभी भी पैंट लेनी हो तो प्लीज़ उसको मेजर करके लेना अपने नेक से या फिर एल्बो से, क्योंकि पैंट्स अगर गलत साइज़ में आ जाती हैं तो फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। सो मैं क्या करती हूँ, इसको अपनी नेक से ऐसे मेज़र कर लेती हूँ, ऐसे करके मेज़र कर लो, बाल हटा के मेज़र करना है ऐसे। और अगर आपको ये फिट हो जाए इसका मतलब आपको ये नॉर्मली फिट आएगी, और अगर यहाँ से आपको ये टाइट होगी ना तो एक बार को छोड़ देना। मतलब हर बार ये ट्रिक काम नहीं आती है, बट मोस्टली ये ट्रिक काम आ जाती है। सो पैंट्स वगैरह तो आप इसी ट्रिक से लिया करना। आई एम इन लव विद दिस। सो मैं हमेशा से जीन्स पहनती हूँ, मैंने आज तक कभी पैंट्स नहीं पहनी है, बट आजकल मुझे बहुत मन कर रहा था कि कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट किया जाए। सो मैंने ये पैंट्स इसलिए ख़रीदी थी, एंड मैं और भी पैंट्स वहाँ से लूँगी फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं विजिट करूँगी, एंड आप भी जाके देख सकते। सो स्वेटर के पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं बॉटम वियर्स के बारे में, ठीक है? एक तो हमारी पैंट हो गई, सेकंड है हमारी ये ब्यूटीफुल सी स्कर्ट, या ओ माय गॉड, एंड ये इतनी प्रिटी लगती है ना, सीरियसली। ये ऐसी है, मतलब ऊपर से इसका से इलास्टिकेटेड बैंड है, एंड ये रिप्ड क्लोथ में है, एंड ये इसकी लॉन्ग मतलब ये लॉन्ग लेंथ में है, ये शॉर्ट में नहीं है, मतलब ये नीज से नीचे आती है, एंड इसका क्लोथ बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल क्लोथ है इसका। एंड इसमें कोई साइजिंग नहीं है, आपको ये स्ट्रेचेबल में है ना, एक वन साइज़ में है ये। सो अगर आपको ये आ जाएगी, अगर आप कुछ मीडियम साइज़ तक आते हो ना, मीडियम साइज़ तक, तो आपको ये इजीली आ जाएगी। जैसे मैं मीडियम साइज़ में हूँ, सो मुझे ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हुई है,
एंड इसके नीचे एक स्लिट भी है ऐसा जो बहुत जो इसकी लुक को बहुत इनहेंस कर रहा है फॉर श्योर। ऐसा स्लिट है इसका। एंड इसका क्लोथ आप देख लो कितना प्रिटी है। देखो ये रिप्ड क्लोथ में है एंड ये बहुत लंबी है तो आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होगी इसको पहनने में विंटर्स में। एंड ये ऑफकोर्स विंटर क्लोथ में है, आप गर्मियों में नहीं पहन पाओगे इसको, ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है। एंड ये मुझे मिली थी फॉर 200 bucks विच इज़ अ ग्रेट डील। 100 वाले स्टॉल्स भी हैं स्कर्ट्स के, बट आई थिंक उनकी कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी अगर आप कुछ अगर आप कुछ भी 100-200 रुपये ऊपर डाल दोगे और इतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिल जाए जो आपकी लॉन्ग टर्म तक चले तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। सो ट्राई करना कि आप कुछ ज़्यादा पैसे डालकर उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लो रैदर देन कि आप 50-100 रुपये की चीज़ ले रहे हो। सो मैं कभी भी 50 रुपये की या 100 रुपये के स्टॉल पर शॉप नहीं करती क्योंकि वहाँ की क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी डिग्रेडेड होती है, यू नो, क्योंकि ऑफकोर्स वो 50 रुपये में बेच रहे हैं। सो क्वालिटी तो अच्छी होने से रही। सो हमेशा ट्राई करो कि आप 150 वाले स्टॉल पर देख लो, 200 वाले पर देख लो, या फिर किसी शॉप पर जाके लाइक कोई महंगी चीज़ को बारगेन करके एक नॉर्मल नॉमिनल रेट पर ले लो। हम इसको किसी भी कार्डिगन के साथ या फिर किसी भी स्वेटर वेस्ट के साथ इसको हम स्टाइल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको किसी भी कोट के साथ कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको पहन लें नीचे बूट्स पहन लो, ऊपर कोई टॉप पहन के ब्लैक कलर का, एंड ऊपर उसके ऊपर हम यू नो कोई कैमल कलर का या फिर एप्रिकॉट कलर का कोट वियर कर सकते हैं। सो वो काफ़ी अच्छा लुक देगा इसका। एंड हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हैं एंड हम इसको अच्छी किसी पार्टी वार्टी में पहन के भी जा सकते हैं बिकॉज स्कर्ट्स आर ऑलवेज इन ट्रेंड। एंड अगर इसकी क्वालिटी अच्छी हो तो आप इसको कहीं भी पहन सकते हो एंड लॉन्ग टर्म यूज़ किया है, जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाली है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि आप कोई ढंग की जगह से लोगे, अगर कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ को पहनने में या कुछ भी। अगर आप बेकार जगह से ले लोगे 50-100 रुपये की ले लिया आपने तो क्या होगा, वो एक दो बार पहन कर अब ख़राब होने लग जाएगी, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी या उसकी लुक्स ख़राब हो जाएंगे वो, या फिर वो यू नो ऐसे फैल जाएगी, कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपकी कुछ सस्ता आइटम लो, आप 200-300 रुपये के आइटम ले लो वहाँ पे एंड वो अच्छी क्वालिटी में लो, राइट। मतलब मोटे कपड़े में है तो आपको इसको पहन के ठंड भी नहीं लगेगी एंड नीचे इसकी कुछ पहनना भी नहीं पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट इसको पहन सकते हो। एंड ऊपर तो आप इसको कुछ भी स्टाइल कर लो, आप इसको कैजुअली कर सकते हो, ऑफिस वेयर में पहन के जा सकते हो, मतलब एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करने से पहले हम बाल ठीक कर लेती हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव। सो ये मेरे जो स्टाइल है उससे बहुत डिफरेंट आइटम मैंने ली है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा कभी भी नहीं था। एंड ये मैंने लिया है स्वेटर वेस्ट जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। सी यू कैन सी द डिज़ाइन, क्योंकि ये बहुत ही बेज कलर में है सो ये बहुत प्रिटी लग रही थी मुझे। ये इसकी बैक डिटेलिंग है, ये इसकी स्लीव्स हैं ऐसी, एंड इसकी लेंथ भी कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है, मतलब सही लेंथ में है ये। इतनी लेंथ आ रही है इसकी, मतलब ये आपके वेस्ट तक आ जाएगी इजीली। एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही वॉर्म मटेरियल है इसका। एंड ये मुझे मिला है 200 रुपीज़ का जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इसके अकॉर्डिंग, इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बेसिकली। एंड ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल नया सा पीस लगा मुझे इसलिए मैंने इसको लिया। बाकी सारे पीसेस जो थे वो बहुत ओल्ड से एंड पतले पतले से लग रहे थे, बट ये काफ़ी वॉर्म एंड मोटा कपड़ा था सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसका जो ब्रांड टैग है वो है अनदर स्लीक के नाम से, आई डोंट नो कि ये कौन सा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड तो बिल्कुल भी नहीं है। बेस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड हम इसको किसी भी चीज़ का स्टाइल कर सकते हैं। कुछ मतलब ये मेरे स्टाइल से बहुत हटके है बट अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करूँ इसलिए मैंने इसको ख़रीदा वहाँ पे। बाकी मैंने देखा कि लोग इसको डायरेक्टली पहन लेते हैं विदाउट स्लीव्स अगर थोड़े नॉर्मल ठंड है। सो मेरे पास एक वाइट कलर की शर्ट है जो मैंने सोचा था कि इसके नीचे पहनूंगी मैं, बट वो इसके साथ मैच नहीं कर रही है मुझे, मतलब उसकी क्वालिटी टेलिंग इससे मैच नहीं कर रही है। सो मैं सोच रही हूँ कि एक नई वाइट शर्ट मंगा लूँगी ऑनलाइन ही एंड देन उसके साथ मैं इसको स्टाइल करूँगी। एंड आई कांट वेट टू स्टाइल दिस वेस्ट। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका एंड 200 के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल यू नो अफोर्डेबल है। बहुत सारी स्वेटर वेस्ट वहाँ पे अवेलेबल थी एंड आप कोई भी डिज़ाइन में किसी भी कलर में वहाँ पे जाके ले सकते हो, बहुत वैरायटी थी वहाँ पे। इसी में एक ब्लू कलर की थी मुझे, वो भी बहुत अच्छी लगी थी, बट मेरे को थोड़ा सा न्यूट्रल कलर्स में जाना था इस बार सो मैंने ये न्यूट्रल कलर में ले ली थी। एंड
वहाँ पे बहुत सारे स्वेटर्स की वैरायटी है 200 रुपीज में। सो आप कोई भी स्वेटर ले लोगे, मतलब वो बोलते हैं 500-600 रुपये तक है, 300, 350, 400, बट आप उनको बार्गेन करा करा के उनको 200 रुपये तक पहुँचा सकते हो। एंड ये बहुत अमेजिंग लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगा ये वेस्ट भी। हम इसको स्टाइल कर सकते हैं विद एनी पेयर ऑफ जीन्स, और हम इसको स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, या फिर पैंट के साथ भी हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टाइल करने के, एंड डिफरेंट डिफरेंट एस्थेटिक लुक्स क्रिएट करने के। एंड ये पिंटरेस्ट लुक्स जो आपने देखे होंगे ना, पिंटरेस्ट लुक्स, उनको ये बिल्कुल आज के सबसे सस्ते स्वेटर पे हम मूव ऑन करने वाले हैं। एंड मुझे थोड़ा इसको सही करने दो। सो दिस इज़ द स्वेटर, एंड ये बहुत प्रिटी लगा था मुझे, एंड मैंने इसको देखते ही ले लिया था। देखो कितना प्रिटी प्रिंट है इसका, एंड ये मुझे पता नहीं क्यों क्रिसमस वाइब्स दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये देख के बहुत ही एस्थेटिक सा लुक मिल रहा है इसको देख के। एंड एक क्रॉप्ड है, इसकी लेंथ काफ़ी छोटी है, मतलब ये क्रॉप्ड है, ये हमारी बेस तक आ जाता है। अगर हम इसके साथ हाई वेस्ट जीन्स पेयर कर लेंगे सो इट विल बी रियली रियली ओके, एंड ये बहुत प्रिटी लगेगा पहन के, बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड ये मुझे मिला है फॉर ओनली 100 रुपीज, विच इज़ अमेजिंग। इतना सस्ता तो कुछ भी नहीं मिलता आजकल, हमें एक स्वेटर मिल रहा है तो क्या बुराई है, एक पतला सा टॉप भी नहीं आता 100 रुपीज़ का, एंड हमें पूरा स्वेटर मिल रहा है तो क्या बुराई है। क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी में कोई इशूज़ नहीं है। एंड ये इसका प्रिंट है, प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, एंड मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ विद एनी पैंट, स्कर्ट और एनी जीन्स वट एवर, एंड ये बहुत प्रिटी लगेगा। ये मुझे कॉलेज वियर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा, सो मैं इसको 2-3 बार कॉलेज पहन के जा भी चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप जब भी कुछ सामान लेकर आओ सरोजनी से, सो फर्स्टली उसको अच्छे से वॉश कर लो या फिर उसको ड्राई क्लीन करा लो, देन ही उसको पहन लो, क्योंकि मतलब वहाँ से वहाँ पर लाइक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े थ्रिफ्टेड होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इनको अच्छे से वॉश करके या फिर ड्राई क्लीन करके ही पहनो, क्योंकि ऐसे मतलब मुझे थोड़ा हाइजीनिक इशूज़ की वजह से मैंने आपको ये चीज़, मैं सब कुछ ड्राई क्लीन करा लेती हूँ उसके बाद ही मैं इनको पहनती हूँ, एंड आप भी ऐसे ही करना बिल्कुल भी। एंड सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट आइटम पे। सो नेक्स्ट आइटम वी हैव टूडे इज वेरी मोटा मोटा सा स्वेटर, एंड ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कुछ मोटे मोटे स्वेटर्स, एंड ये है वो स्वेटर। आई एम इन लव विद द स्वेटर एंड इट्स डिज़ाइन, लुक एट इट, ओ माय गॉड, है ना प्रिटी। सो ये भी क्रॉप्ड में है, सो मुझे क्रॉप्ड स्वेटर्स बहुत पसंद है, आजकल बहुत चल रहे हैं, अर्बैनिक पूरा भरा हुआ है क्रॉप्ड स्वेटर्स से, एंड मुझे बहुत पसंद है क्रॉप्ड स्वेटर्स। इसकी लेंथ इतनी आएगी, लेग थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप नहीं है, ये ओकेइश लेंथ है इसकी, एंड इसकी स्लीव्स काफ़ी लॉन्ग है, मतलब यहाँ तक स्लीव्स आती हैं। आप इसको पेयर करोगे विद एनी पेयर ऑफ जीन्स और स्कर्ट्स, पैंट्स, और नीचे अगर आप बूट्स पहन लोगे ना, प्रिटी है ना यार ये, सीरियसली मतलब बहुत प्रिटी लगा मुझे। एंड ये भी मुझे मिला था 200 रुपीज़ का, विच इज़ अ ग्रेट डील फॉर दिस काइंड ऑफ स्वेटर, एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल टू विजिट सरोजनी नगर एंड बाय समथिंग फॉर यू। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती हैं कि तू जब भी जाती भर के लिए आती सामान, सो बट क्या करें, शॉपाहॉलिक पीपल कैन अंडरस्टैंड मी। एंड अभी मिंत्रा की जो सेल आई थी, एंड मैंने उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें शॉप करी हैं, एंड वो सब कुछ आने लग गया है मेरे घर पे। सो जल्दी ही उसका व्लॉग भी, उसका हॉल भी आने वाला है, सो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर टू माय चैनल। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम वी हैव टुडे, जो है ये मेरे को बहुत पसंद आया था, ये एक कार्डिगन है। एंड आपको पता ही है कि कार्डिगन्स आजकल कितने चल रहे हैं, अर्बैनिक पूरा देख लो कार्डिगन से भरा हुआ है, मिंत्रा देख लो पूरा कार्डिगन से भरा हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी प्रिटी आई गॉट फ्रॉम देयर, एंड ये भी 200 रुपीज़ का ही था, मैंने ये सेम शॉप से लिया था। एंड मैं आपको शॉप नंबर जो है वो कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, सो पिन कर दूँगी बेसिकली, एंड आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। इसका ऐसे वी नेक है, एंड नीचे 3 बटन्स है इसमें, एंड ये भी ज़्यादा लंबा नहीं है, एक नॉर्मल लेंथ में है ये, एंड इसमें 3 बटन्स वी हैव, 3 बटन्स। इसकी स्लीव्स तो फुल हैं, बिल्कुल फुल, एंड इसके बैक पे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लव यू
लव से यू लव मी इसमें लिखा हुआ है नीचे, इसमें बैक साइड पे लिखा हुआ है से यू लव मी, वो भी पिंक से कलर में लिखा है, बेबी पिंक कलर में, जो लुक दैट लुक इसको पेयर कर सकते हो विद एनी पिंक कलर का टॉप एंड ये बहुत प्रिटी लगेगा, जैसे इस वाले टॉप के साथ भी आप इसको पेयर कर पाओगे एंड नीचे कोई भी ब्लू कलर की जीन्स पहन लो, बॉम्ब लुक इट विल गिव। वहाँ पे ऐसे स्वेटर्स की बहुत सारी वैरायटी थी एंड यू कैन डेफिनेटली चेक आउट एंड ये बहुत प्रिटी लग रहे थे। ऐसे कार्डिगन्स बहुत सारे थे वहाँ पे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी थे, ब्लू ब्लैक ब्राउन में तो बहुत सारी शेड्स थी। मुझे एक बहुत अच्छा लगा था ब्राउन कलर का स्वेटर, पर भैया ने बार्गेन नहीं करा इस चक्कर में मैं वो नहीं ले पाई, वरना मैं ज़रूर लेती उसको भी, बट कोई बात नहीं हमें और अच्छे अच्छे मिल गए, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको कैसे स्टाइल करा है एंड आप भी इसको वैसे ही स्टाइल कर सकते हैं। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स मूव टू द लास्ट आइटम वी हैव टुडे। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी स्वेटर, ये वी नेक में है एंड इसकी लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं है, एक मीडियम लेंथ तक आता है ये, और इसकी ऐसे स्लीव्स हैं बहुत प्रिटी एंड ये काफ़ी वार्म मटेरियल है एंड इसका ऐसे फ्रंट ऐसे आता है, पहन के बहुत प्रिटी लगता है ये एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इसका लुक भी। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको स्टाइल करा था, मैंने इसको एक ग्रे कलर के जीन्स के साथ पहना था एंड ये बहुत प्रिटी लग रहा था मुझे। सो आप भी ऐसे स्वेटर्स वहाँ पर ले सकते हैं, मुझे ये मिला था 200 rupees का एंड विच इज़ अ ग्रेट डील फॉर दिस काइंड ऑफ स्वेटर। एंड ऑलमोस्ट सारी आइटम्स 200 rupees तक की हैं, कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इसमें, इवन 200 से कम ही हैं चीज़ें, सो ये ग्रेट डील है। आप 1000 या फिर 2000 rupees तक बहुत सारा सामान लेकर आ सकते हैं सरोजनी नगर से। सो ये मेरी लास्ट आइटम थी इस हॉल की एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा पर्सनली। एंड हम इन सब चीज़ों को बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स को हम डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं सब आइटम्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं सो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी हर रोज, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर शूट कर लेती हूँ। अब मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं सो मेरे कॉलेज के भी व्लॉग्स आने लग गए हैं, कॉलेज व्लॉग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं मेरे सो, और नॉर्मल व्लॉग्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, सो उन सबको देखने के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, नीचे चेकआउट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।